नमस्कार किसान भाइयों, टैग किसान फार्मिंग राठौर चैनल पर रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एक शौकीन किसान के पास में आए हैं जो कि कड़गंगा नहाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा हम अपने जो है बैल और झुट्टे जो शौकीन किसान हैं उनकी बनानी शुरू कर रहे हैं वीडियो। तो आज ये हमारी खाली शुरुआत है, तो भाई से परिचय कराता हूँ और ब्रीड वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। तो भाई जी नमस्कार। नमस्ते भैया, एक बार अपना परिचय करवा दो। मेरा नाम आशु शर्मा, गांव गंगधाड़ी, पोस्ट खतौली, जिला मुजफ्फरनगर से। तो भाई जी ये जो आपका है घर का ही है? नहीं जी, बाहर से लाए थे। ये कहाँ की नस्ल है? हरियाणा की नस्ल है जी भैया। और कब लाए थे आप? ऐसा भैया हो गए करीब पौने दो महीने हो गए। तो कितने दांत है अब? तो फूल दांत है, छह दांत हो लिया जी। अब आप देखो, सींग भी देखो और कद काठी देखो कितनी शानदार है। गर्दना भी बहुत फर्स्ट क्लास वाला जिसे बोलते हैं, बेहतरीन एकदम, और बहुत ही शानदार लुक है। और बड़ी शौक से इन्होंने ये रख रखा है। और देख सकते हैं आप, पूंछ वगैरह भी इन्होंने बनवा रखी इसकी, अच्छे से बाल वगैरह। और लंबी बेल का झोटा है जिसे बोलते हैं। ये देखो भाई, ऊपर से भी थोड़ा सा मैं दिखाऊँ आपको। तो भाई जी ये मतलब शौक से रख रहे, जैसे आप कहीं नाड़ में तो जाओगे ना? जी भैया नाड़ जाएंगे, मेडिकल से गढ़। मेडिकल से गढ़ जाओगे तो तैयारी वगैरह कैसे कैसे कर रहे हो आप इसकी? तैयारी भैया बस अपना खाना पीना चल रहा है इसका। कुछ स्पेशल पर तो दे रहे होंगे ना इसे? स्पेशल में कुछ नहीं भाई, चना जई जो ये सब दे रहे हो? ये सब चल रहा भैया। तो रेस वगैरह भी लगवाते हो? नहीं रेस नहीं लगाते, हम तो अपने शौक के लिए झोटा तैयार करते हैं हर साल गड़गम के लिए। नहीं नहीं, उसके लिए तो तैयारी तो थोड़ी रखनी पड़ती है। थोड़ा बहुत तैयार रखते हैं, थोड़ा गर्माहट सा शरीर बना, बिल्कुल बिल्कुल, जो जहाँ ताकि तेजी से जब भक्के जा। बिल्कुल। तो वैसे आपने भगा भगा के देखा, कितने लंबे फराटे कितनी मारी आपने? मैंने इस अब तक 22 किलोमीटर घुमाया जी, खतौली से अपना बेगराजपुर मेडिकल तक। बेगराजपुर मेडिकल यहाँ से इतना ही बैठता होगा करीब करीब? तो वहाँ की लोड फेर करी है जी भैया। तो हाई स्पीड कितनी इसकी आपने चल रही? मतलब 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर लगातार जो कंटिन्यू? 35 प्लस चले। हाँ, चल तो देखने से भी लग रहा है। थोड़ा एक बार चला के देखूं मैं इसकी डिग, देखूं पहली डिग के बाद अगली डिग कहाँ पड़ती है इसकी। ये देखो भाईयो, ये पहली डिग क्या अगली डिग पे पिछली डिग आ रही है, तो डिग भी लंबाई होने की वजह से। वैसे कुल मिला के सारा मामला ठीक है, कुछ ऐसा नहीं दूध वगैरह चला रखा हो? तेल ताल इसका दूध चल रहा भैया, तेल भी चल रहा। देखो कितनी शानदार चाल झुट्टे की यहाँ पे निकल कर आ रही है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। वाह भाई जी, रुक जाओ एक बार, कोई मारता वगैरह है? कुछ नहीं बहुत शरीफ है। शरीफ है वैसे? तो कुछ स्पेशल भी दोगे वैसे? नहीं दोगे? नहीं भैया, जो डाइट चल रही बस वही चल रही। तेल ताल भी तो देख रहे हैं ना? तेल दे रहे हैं सरसों का दूध के साथ, अब आगे अगले महीने घी चला देंगे इसका देसी। अच्छा देसी घी भी चलाओगे? खाने में तो वही चल रहा हो, हरा चारा वगैरह, भूस वगैरह खा रहा हो, जो भी खा रहा होगा। तो भाई जी जिसके मर्जी आप हो या भाई है, कौन है? मर्जी आप हो गए। तो जो है फिलहाल तो गर्मी वगैरह चल रही है, अभी भगा रहे हो? चलिए अभी नहीं भगा रहे भैया, इस महीने फिराई नहीं देने के, अगले महीने फिराई देंगे झोटे को, इस महीने कुछ नहीं देने। देखो भाई की हाइट भी मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा है। भाई आपकी हाइट कितनी? 6.5 फुट। 6.5 फुट तो झोटा बिल्कुल छोटा सा लग रहा, भाई की हाइट भी ज्यादा है। तो अभी गर्मी वगैरह मैं जोड़ने के लिए भी नहीं कहूँगा, नेक्स्ट टाइम इसकी जरूर वीडियो दिखाऊंगा मैं, किस तरह से भागता है किस तरह से नहीं, सारी कवरेज करेंगे। बस चाल ही देख लो, फिलहाल तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई। चलो जी भाई जी, ये देखो कितनी शानदार चाल है इसकी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो डरता आपसे ये? तो एक बात तो बताओ, ये देखो भाई झोटा डर है वास्तव में बोले जी। ये देखो बहुत बढ़िया भाई जी इसकी चाल वगैरह जो है मेन तो बुग्गी में दिखेगी, पर बाकी अभी गर्मी वगैरह बहुत है, अभी तो रहने दो फिलहाल, बाकी नेक्स्ट टाइम इसे मैं भक्तों अभी दिखाऊंगा। ऐसा तो नहीं है दुनिया भर के अस्त्र लेके बैठे हैं बुग्गी में, जब नहीं, कुछ नहीं, बिना टंडी के चला के दिखाऊंगा झोटे को 35 प्लस। बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत बढ़िया। तो एक लंबी सी रेस भी इसकी करवाएंगे 5-7 किलोमीटर की, उसकी पूरी कवरेज हम आपको देंगे। 7-10 किलोमीटर घुमाई करवाएंगे, वीडियो पूरी बनवाओगे ठीक 20 दिन बाद। ठीक है भाई, ये देखो जैसे करडा था मैंने आपको दिखा दिया, शानदार करडा है। और आगे और भी मैं आपको दिखाऊंगा एक बार फिर से, मैं इसे चारों तरफ से दिखाना आपको जरूर चाहूंगा। बहुत ही शानदार, कोई भी सफेद बाड़ कहीं नहीं है, सिर्फ पूछ में है सफेदपन जो है, बाकी झोटा बहुत बढ़िया है। ठीक है भाई,
तो इसी के साथ मैं वीडियो विराम देता हूँ भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया जो बारे भाई झोटो के शौकीन है या बैलों के शौकीन है, चैनल सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो और कमेंट ज़रूर दियो और वीडियो वैसे शेयर करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कवरेज अब हम इन चीज़ों की भी करेंगे। नमस्कार भाई, नमस्कार।